तो भाई सुबह की पहली किरण माँ दंतेश्वरी के पावन धरती पे आप सभी का स्वागत है भाई। पूरा टायर में क्रैक आ गया है भाई, ये वाला खिला गुस्सा हुआ था टायर पे। जाते टाइम अरकू वैली का व्यू दिखाऊंगा, फिर जो रोड जा रहा है वाइजैक जाएगा। अभी पहुंचे हुए हम लोग अरकू वैली, यहाँ पे बैम्बू चिकन बन रहा है। ये पहला व्यू पॉइंट है, अलग ही वाइब है भाई। इतना कॉर्नरिंग हुआ हुआ है टायर में। फाइनली पहुंच गए हम लोग वाइजैक। बड़ा खतरनाक ट्रैफिक है भाई यहाँ पे, क्या चूसान है भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो भाई आज का जो राइड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि भाई आज फाइनली निकलेंगे हम लोग अपने वाइजैक ट्रिप के लिए। और मैं फाइनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैं 2 साल से इसका वेट कर रहा था कि अपन कब जाएंगे वाइजैक अपनी बाइक को लेकर के। तो भाई आज वो दिन आ चुका है, हम लोग अभी निकलेंगे अपनी बाइक रेक्सो को लेकर के वाइजैक। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, मस्त मस्त सीन आने वाला है। हम लोग अरकू वैली होते हुए जाएंगे, तो आप लोग को वीडियो में कंटिन्यू दिखाएंगे एक से एक सीन, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। तो भाई ये रही अपनी बाइक रेक्सा, तो अभी इसको निकालते हैं। कल रात को ही मैं इसके अंदर ल्यूब वगैरह कर चुका था, तो गाड़ी को अभी कोल्ड स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो भाई अभी सबसे पहले चलते हैं अपनी बाइक रेक्सा पे, फ्यूल अप कराते हैं, क्योंकि भाई फ्यूल जो है बहुत ही कम है और पेट्रोल पंप भी खुल गया होगा। क्योंकि हम लोग ना एक्चुअली क्या है, सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, बट पेट्रोल पंप के चक्कर में ना थोड़ा सा लेट किए, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप जल्दी खुलता नहीं है इस वजह से। तो अभी पेट्रोल पंप पहुँच गए हैं और चलते हैं, पहले पेट्रोल डलाते हैं फिर निकलते हैं सीधा। चालू है ना पेट्रोल पंप? हाँ चालू है। एक हज़ार का ना अभी फ्यूल अप हो चुका है, अभी निकलते हैं। अभी आगे का रास्ता यार बहुत ज़्यादा ही गंदा है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ही गंदा वाला पैच है गीदम तक, उसके बाद जा कर के रोड थोड़ा ठीक मिलेगा। अभी से देखो पूरा धूल धूल दिख रहा है, ये सब रोड दिख रहा होगा पूरा ख़राब ख़राब है। तो भाई अभी हम लोग ये भी चेक कर लेंगे कि R15 V3 एक फुल टैंक पर कितना दूर चलती है, ठीक है, क्योंकि अभी वाइजैक तक तो जाना ही चाहिए। देखते हैं अपनी बाइक वाइजैक तक टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी एक टैंक पे। मतलब ऑलमोस्ट 940 का पेट्रोल आया इसमें, और अभी देखो सामने का रोड देखो भाई कैसे, ये गंदा गंदा वाला रोड जो है ना पैच शुरू हो चुका है। ये भाई नीरली घाट, और ये रोड नहीं पता कब बनाएंगे आगे, तो इससे भी और गंदा गंदा रोड है भाई। ये देख रहे हो यहाँ पर बस 20-25 की स्पीड में चल सकते हो। देखो पूरा गंदा, साइड से जाना है करके। ओ देखो ओ भाई। तो भाई सुबह की पहली किरण माँ दंतेश्वरी के पावन धरती पे आप सभी का स्वागत है भाई। अभी हम लोग दंतेवाड़ा पहुँचे हुए हैं, गाड़ी भी पंचर हो चुका है, तो भाई पहले पंचर दुकान ढूंढेंगे, इतना सुबह सुबह कहाँ मिलेगा। तो ये रहे माता रानी का मंदिर। जय माता दी, जय माँ दंतेश्वरी। ये दंतेवाड़ा का मंदिर था। अभी चलते हैं भाई पंचर दुकान ढूंढते, इतना सुबह सुबह मिलेगा कि नहीं। और मेरा पूरा टायर बबलिंग कर रहा है, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है, इस वजह से बबलिंग भी कर रहा है टायर। ये रहा है माता रानी का मंदिर। जय माता दी, हमारा राइड सफल हो। तो यार दंतेवाड़ा में तो भाई एक भी पंचर दुकान नहीं खुला हुआ यार, सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी तक एक भी पंचर दुकान नहीं है। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, कहीं दिक्कत ना हो जाए, मतलब टायर वायर मत फट जाए, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहे हैं अपन। भाई पंचर दुकान मिल गया अपन को दंतेवाड़ा में, एक ठो खुला हुआ था सुबह। चलते हैं गाड़ी को ऊपर लगाते हैं। भैया पंचर चेक करना था, पूरा टायर में क्रैक आ गया है भाई, हवा कम है, देखो दब रहा है। मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है कि पंचर है, क्योंकि ना 2 दिन पहले ना मैं हवा दलाया था। तो भाई ये रहा अपना पंचर, इसमें खिला घुसा हुआ है भाई। तो ये देखो भाई, ये वाला खिला घुसा हुआ था टायर पर, यहाँ पर अभी पंचर बन रहा है, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अपना पंचर बन चुका है, तो अभी अपन निकलते हैं यहाँ से। तो भाई पहला ब्रेक अपन गीदम में ले रहे हैं, ये पूड़ी छोले वाले भैया के यहाँ पूड़ी छोले खा करके निकलेंगे। क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए भैया, कहीं और शिफ्ट हो गए क्या? तो भाई पोपट हो गया हम लोग का, यहाँ पे पूड़ी छोले वाले भैया ही नहीं है। भैया भैया ये दुकान वाले कहाँ शिफ्ट हुए? आज बंद है। तो भाई आज बंद है, चलते हैं आगे, देखते हैं कहीं पे नाश्ता वगैरह करते हैं। तो ये है भाई गीदम, गीदम का बस स्टैंड। तो भाई एक यहाँ पे ठेला दिखा है, यहाँ पे डोसा खाता हूँ और फिर निकलते हैं। तो भाई हमारा नाश्ता भी हो गया है, अभी निकलते हैं नॉन स्टॉप जगदलपुर।
एक्चुअली क्या है ना, वाइज़ैग तो मैं बहुत बार जा चुका हूँ, मतलब बस ट्रेन वगैरह में और कार में भी जा चुका हूँ। तो मेरे को बस अपना बाइक लेके जाना था एक बार, मतलब बाइक में भी जाना था, क्योंकि वहाँ का जो व्यू वगैरह है ना बहुत ही शानदार है। मतलब बीच साइड पे आप बाइक भी ले जा सकते हो, ऐसा ऐसा बीच देखा हूँ। जब भी मैं गया हूँ तो यार ऋषिकोंडा और क्या आर के बीच वगैरह गया हूँ, बट अभी हम लोग जाएंगे तो बहुत सारा नया नया व्यू दिखाऊंगा आपको। जब पिछली बार कार में गया था तब वो चीज़ देखा था कि इतना शानदार शानदार व्यू भी है। तो वहाँ पे पर्सनल गाड़ी ले जाने से ज़्यादा मज़ा आता है करके अपनी बाइक ले जाने का सोच रहा था भाई 2 साल से, तो आज फाइनली वो भी सपना पूरा हो रहा है कि मैं अपना बाइक ले करके जा रहा हूँ वाइज़ैग। आप लोग बने रहना वीडियो में, मस्त व्यू दिखाऊंगा। अभी हम लोग यहाँ से जयपुर कटेंगे, मतलब जगदलपुर जा करके जयपुर कटेंगे, फिर जयपुर से हम लोग ना कोरापुट होते हुए नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग जाएंगे यहाँ से जयपुर से कट करके अरकू वैली होते हुए जाएंगे, मतलब ज़्यादा टाइम अरकू वैली का व्यू दिखाऊंगा आपको, और वापसी आधे टाइम हम लोग शायद देखते हैं क्या प्लान बनता है, देवमाली साइड से आएंगे। तो अभी यहाँ हम लोग गिदम से निकल चुके हैं। तो भाई हाईवे में चलने से एक चीज़ ध्यान देना हमेशा कि ये जो पैच आता है ना, जैसे देख रहे हो मेन हाईवे में बीच में थोड़ा सा घर वर आता है, मतलब थोड़ा सा जगह आता है, वहाँ पे हमेशा आराम से चलना। यहीं पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था पिछली बार, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे मैं गिरा हुआ था, ठीक है। तो ये सब एरिया में ना बहुत आराम से चलना चाहिए, क्योंकि ना गाड़ी कब यहाँ से बीच में घुस जाता है भाई कोई भरोसा नहीं है, साइकिल वाले कब आ जाते हैं कोई भरोसा नहीं, और फिर गंदा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो हमेशा भाई ये सब गांव वाले एरिया में ध्यान से ही रखना भाई, क्या ध्यान से ही चलना। अभी 10:02 हो चुके हैं और हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं जगदलपुर। ये जो चौक दिख रहा है, यहाँ से जो लेफ्ट जाएंगे ये वाले रास्ते, ये आपका जाएगा रायपुर रोड, और इस साइड है हम लोग वाइज़ैग। ये जो रोड जा रहा है वाइज़ैग जाएगा। ये देखो भाई लॉन्चर छोड़ा भाई। अभी हम लोग ओडिशा बॉर्डर एंटर कर दिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, देख सकते हो वेलकम टू ओडिशा। यहाँ से जयपुर है 63 किलोमीटर। तो भाई अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं जयपुर, और यहाँ से हम लोग एक राइड कट करके एक अंदर गए हैं, मतलब सीधा हम लोग को अरकू वैली होते हुए जाएंगे ना, अरकू घूमते हुए अभी डायरेक्ट चलते हैं अरकू। यहाँ से जो घाट वाला सेशन है आपका अरकू वैली का, वो जो है यहाँ से शुरू हो गया है। बाकी यहाँ से व्यू देखो जोरदार आ रहा है, और बंदर वगैरह भी है भाई यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हो, और मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है ना यहाँ पे पहुँचने के बाद। देख रहे हो भाई बंदर पूरे रोड में ऐसे बैठा ना बिना फटी में, मतलब डर भी नहीं लग रहा इन लोग को। शानदार कॉर्नरिंग भाई यहाँ पे, मेरा टायर अभी ठीक नहीं है, नहीं तो मस्त कॉर्नरिंग करते हुए जाते। ओ ये आ गया मेन पॉइंट, यहाँ से अपन को जाना है अरकू लेफ्ट, और ये आपका ये जो रोड है जो आपका सुकमा वाला रोड है, और सुकमा मतलब जहाँ से मलकानगिरी सुकमा होते आते हैं वो रोड है, और यहाँ पे अपन रुकते हैं थोड़ा, देखते हैं कुछ खाते वाते हैं। हम लोग सेकंड ब्रेक लिए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ खाने का देख रहे हैं। ये वाला ककड़ी दे दो ना, ककड़ी एक ठोक, इसमें से काट के दे दो ना, इसमें से काट के दो ना, हाँ छील करके दो फ्रेश वाले में से। तो बढ़िया ककड़ी खाते हैं। मसाला अच्छे से लगाना ना, मसाला अच्छे से लगाना। ये देखो ये ऐसा मार्केट है छोटा सा, यहाँ से खाते फिर निकलते हैं अरकू डायरेक्ट। यहाँ पे भाई इस तरीके से ब्रेकअप आता है, छोटा 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 सा जैसे देख रहे हो, पूरा बॉडी हिला देता है भाई वाइब्रेट करके। वेलकम टू आंध्र प्रदेश दोस्तों। तो अभी पहुँचे हुए हम लोग अरकू वैली, यहाँ पे अपना थर्ड ब्रेक लेंगे और यहाँ पे कुछ खाते हैं, मतलब लंच करते हैं, और फिर निकलते हैं अपन वाइज़ैग के लिए। बाकी अब यहाँ से जो शुरू होगा आपका नीचे उतरेंगे ना, मतलब अभी हम लोग टॉप पे हैं अरकू वैली टॉप पे, नीचे अपन उतरेंगे अभी अनंतागिरी साइड से वाइज़ैग जाएंगे, वहाँ का नज़ारा देखने लग रहेगा भाई। तो अभी पहले चलते हैं कहीं पर एक अच्छा सा होटल देख करके, खाना के लिए रुकते हैं। यहाँ पे देखो भाई भीड़ कितना है, और यहाँ पे हर गाड़ी एपी दिख रहा है मेरे को, कोई गाड़ी ना उड़ीसा का दिख रहा है ना छत्तीसगढ़ का, तो छोड़ ही दो। तो शायद यहाँ पे मार्केट वगैरह लगा हुआ है, पिछले बार भी आया था तो ऐसे ही था, भीड़ वगैरह था फटे हाल तक ले।
भी भीड़ है। बहुत ज्यादा ही रश है भाई, बहुत ज्यादा। ओ भाई, और यहाँ पे देखो भाई सब्जी वगैरह भाई बोरी बोरी, शानदार सीन है। अभी खाना खाने के बाद आपको बहुत जोरदार जोरदार सीन दिखाऊंगा। चलो भाई यहाँ पे बैठते हैं अपन और कुछ खाते हैं बढ़िया सा। तो अभी हम लोग खाना वाना खा लिए, अभी निकल का जो मेन मार्केट एरिया है मतलब सिटी जो है मेन वो ये है। हम लोग यहीं से खाना खा लिए, अभी आगे पे रेलवे स्टेशन आएगा और यहाँ पे साइड पे देख सकते हो, दिखाता हूँ आपको मस्त बैम्बू चिकन। ये देखो भाई यहाँ पे बैम्बू चिकन बन रहा है। ऐसे रास्ते में बहुत सारा ही मिलेगा आपको बैम्बू चिकन का। यहाँ पे रिजॉर्ट रेस्टोरेंट होटल बहुत सारा है, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है ना ये, इस वजह से यहाँ पे रिजॉर्ट होटल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। और जहाँ पे हम लोग खाना खाए भाई बहुत ही स्वादिष्ट था, मतलब थाली खाए थे हम लोग, बहुत सारा चीज़ दिया था उसमें भाई खाने का। अभी हम लोग जा रहे हैं अरकू वैली में, इधर पास ना एक आंटी गुपचुप बनाती है। पिछले बार जब आए थे ना अरकू वैली घूमने के लिए तो यहीं आंटी के ऐसा गुपचुप खाए थे भाई, बहुत ज़्यादा शानदार बना के दी थी गुपचुप। उनका ठेला ही नहीं दिख रहा है, यहीं पे कहीं लगाती है आंटी, पर आगे लगाती शायद। तो भाई देखो हम लोग का गुपचुप आ गया बनके, इसके अंदर देखो भाई मस्त फल्ली वगैरह डाला हुआ है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको खाते हैं फिर निकलते नीचे। गुपचुप खाना भी हो गया, अभी चलते हैं सीधा डायरेक्ट व्यू पॉइंट पे, वहाँ एक दो छोक फोटो वोटो लेंगे फिर सीधा नीचे जाएंगे वाइजैक। तो भाई यहाँ से शुरू होता है आपका अरकू वैली का जो घाट है और व्यू पॉइंट है, ये यहाँ से शुरू होता है। अब आपको कंटिन्यू दिखाता हूँ भाई, एक से एक व्यू, मज़ा ही आ जाएगा आपको। वैसे तो आज थोड़ा मौसम ना बदरी वाला है, देख रहे हो पहाड़ वहाड़ ना ढका हुआ है बादल से, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी आगे चलो मज़ा ही आ जाएगा आपको व्यू दिखाता हूँ। इतना ही पतला सड़क है ना, जितना दिख रहा है आप लोगों को इतना ही है, बस इसी में ही गाड़ी आना जाना करता है। यहाँ से व्यू देखो भाई, ये तो अभी शुरुआत है, अभी जब अनंतागिरी पहुँचोगे यहाँ से भी शायद अराउंड ना 10-20 किलोमीटर्स होगा अनंतागिरी, वहाँ से आपको व्यू जो आएगा ना भाई जोरदार, मतलब मेरे को तो पसंद है, आप लोगों को देख लेना। और यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी आराम से चलाना भाई, एक्सीडेंट होता है बहुत ऐसा टर्निंग पे और सिंगल रोड पे। इतना टाइम के बाद आंध्र प्रदेश में अपना CG-17 गाड़ी दिख रहा है अपना जगदलपुर का, इन लोग शायद घूमने वगैरह आए हैं, अब बस व्यू ही देखते रहना। और यहाँ का कॉर्नरिंग भाई इतना खतरनाक है बता नहीं सकता भाई, मतलब इतना कर्व कर्व रोड है, कोई भी सीज़न में आओ यहाँ पे टूरिस्ट लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। और मेरा हाथ भी दर्द दे रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ही चला दिया हूँ, 2-3 स्टॉप लगाए बस बस गाड़ी खींचे पड़े हैं, देख रहे हो कॉर्नरिंग, डर भी लगता है भाई और मज़ा भी आता है। यहाँ पे पूरा ना कॉफ़ी वॉफ़ी का खेती होता है ऊपर, तो यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर बिक रहा है ऊपर जो है ना आपका, यहाँ पे कॉफ़ी का खेती होता है, वहाँ पे जाने का एक गार्डन है। कि आगे चलते हैं, आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भाई ट्रैफिक देखो गंदा लगा हुआ है, ट्रैफिक व्यू पॉइंट के लिए। ये पहला व्यू पॉइंट है गली कोंडा व्यू पॉइंट, सब यहाँ पे व्यू पॉइंट का ना अलग अलग नाम से है। तो चलो अपन आगे निकलते हैं जगह बना करके, अलग ही वाइब है भाई यहाँ का। वहाँ पे देख रहे हो वो, वहाँ पे जाना है हम लोगों को, वहाँ से नीचे उतरना है। और यहाँ का व्यू देखो भाई कई औसम आ रहा है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो शूट करते हैं थंबनेल के लिए। ये जो दिख रहा है रॉयल रिजॉर्ट, यहाँ पे थे अजीत सर, हम लोग अंदर जा करके मिले थे उनसे। और बाकी अभी यहाँ पे शायद चेकिंग चल रहा है, गाड़ी पेपर चेकिंग चल रही है भाई। चलो बढ़िया है, अपन को नहीं पकड़े। तो ये रिजॉर्ट का व्यू देखो भाई क्या ही शानदार, और इसका किचन वो रहा। और यहाँ से देखो भाई पूरा खेती खलिहान है मस्त, सामने पहाड़ देखो एकदम नुकीला। उसे स्टॉप लिए यहाँ पे, थोड़ा सा रुकते हैं, और हाथ पूरा दर्द कर रहा है भाई। ये टायर का देखो कितना लीन हुआ है भाई, पूरा ना यहाँ पे लग रहा है नया टायर लगा हुआ है, इतना इतना कॉर्नरिंग हुआ हुआ है ये टायर में, खतरनाक भाई। बाकी यहाँ का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। फटाफट से वाइजैक की तरफ निकलते हैं क्योंकि अब शाम भी हो गया है।
रात होने से पहले अपन को वाइजैक पहुंचना है। तो भाई अभी हम लोग पूरा घाटी से नीचे आ गए और ये नीचे छोटा सा कोई सा गांव है और फल फ्रूट्स देख रहे हो यहाँ पे कितना सारा है, इमली वगैरह पूरा बिक रहा है। अभी हम लोग यहाँ से कम एक डेढ़ घंटा लगेगा हम लोग ऑलमोस्ट वाइजैक पहुँचने में। भाई यहाँ पर केला की खेती देखो भाई, शानदार लग रहा है भाई, पूरे दूर दूर तक केला का खेत दिख रहा है, देख रहे हो पेड़, लेकिन इसमें केला तोड़ लिया गया लग रहा है। ये सब चीज़ देखने में अलग ही मज़ा आता है, मतलब लगता है कि भाई कहीं थोड़ा सा बाहर निकले यार घूमने के लिए, नया नया चीज़, नया लैंग्वेज, हर एक चीज़ आजमाने में अलग ही मज़ा है। कुछ दूर चलने के बाद भाई ये नहीं पता कौन सा एक सिटी टाइप का है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पर पहुँचे हुए हम लोग, यहाँ से विशाखापट्टनम बता रहा है भाई 50 किलोमीटर, और वो भी स्ट्रेट रोड है, मतलब 50 किलोमीटर सीधा रोड है, मतलब ये जो रोड पकड़ा हुआ हो ना ये सीधा ही है। अभी लग रहा है बच्चे लोग का स्कूल का छुट्टी वगैरह हुआ हुआ है, देख रहे हो कितना रश है भाई ये रोड में। तो भाई ले देखे फाइनली पहुंच गए हम लोग वाइजैक, और ये वाइजैक का भी जो सिटी है उसमें एंटर किए हम लोग। मेन रोड अब भी आया है ना, मतलब अरकू के बाद से अब भी मेन रोड आया है। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन तरफ जाना है, मतलब यहाँ से अभी और दूर है, 10-15 किलोमीटर और दूर है जो मेन आपका सेंटर पड़ता है। बड़ा ख़तरनाक ट्रैफिक है भाई यहाँ पे, क्या चूहा इंसान है भाई, अभी एक्सीडेंट हो गया रहता भाई, कैसे कर रहा है, तो इतना स्पीड में हवा में उड़ रहेगा क्या, चूते भाई। हम लोग को यहाँ तक आना था बाइक लेकर के, और ये वाइजैक का सड़क में अपनी बाइक रिक्शा को दौड़ाना था, अपन दौड़ा रहे हैं, और बाकी कल जाएंगे बीच साइड लेके जाएंगे अपनी बाइक को, बैंक का मज़ा आएगा भाई। मेरे को तो बस बीच साइड जाने का वेट कर रहा हूँ कब जाएंगे। और एक तो व्यू पॉइंट देखा था यार बीच वाला, वहाँ पे ना गाड़ी भी लेके जाकर ना लोग खड़ा किए थे, तो वहाँ पर जाना है बस, और अपनी बाइक के साथ एक फ़ोटो लेना है वहाँ पर खड़ा करके। लगता है कि भाई वाइजैक का ट्रैफिक में फंसे फंसे हम लोग को रात हो जाएगा और हम लोग रूम पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतना गंदा ट्रैफिक है भाई यहाँ पे। सीमाचलम 4.6 किलोमीटर, अपन सीमाचलम भी जाएंगे, पहले तो यार रूम तो चले जाए फिर जाना सीमाचलम। मेरे को पूछना था भाई CMR मॉल के पास, और वहाँ से रेलवे स्टेशन का रास्ता मैं देखा हूँ, बट ये कौन सा लोकेशन है मेरे को नहीं पता, बस मैप ले जा रहा है जहाँ ले जा रहा है और वहीं घुसे पड़ा हूँ मैं। तो यार ब्रेक दबा दबा के मेरा हालत हो गया ख़राब हाथ का यार, साइड साइड ब्रो, मेरा गाड़ी इतना हीट फेंक रहा है ना पूछो मत। हम लोग बस 3 स्टॉपेज लगाए हैं और सीधा वाइजैक पहुँचे हुए हैं। 400 नंबर बस मेरे को याद है वो गाजवाका से RTC कॉम्प्लेक्स तक का आता है, बस यही, मतलब वाइजैक में मेरे को बस यही नंबर याद है भाई बस में का। चलो चलते हैं, एटलीस्ट वाइजैक तो पहुँच गए, क्या पता यार वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथ उसका लंबा हो गया होगा, तो भाई मैं वीडियो को इधर ही क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और इस वाइजैक वाले ट्रिप के एपिसोड में जुड़े रहना। देखो बस वाला क्या कहानी कर रहा है, रोक दिया, अभी हम लोग चढ़ गए फ्लाईओवर पे। ठीक है भाई, तब तक ले बाय।